जीवन में और बिना स्त्री के हम कुछ भी नहीं। पर अधिका, यहां हम भूल कर जाते हैं, जब स्त्री एक पुत्री होती है, जब जन्म लेती है, उसके अस्तित्व पर अधिकार होता है उसके पिता का। तत्पश्चात जब विवाह हो जाता है तो उसके अस्तित्व पर अधिकार होता है उसके पति का। और जब वो माता बनती है तो स्वयं ही अपने समस्त जीवन का अधिकार अपने संतान को सौंप देती है। परंतु कभी क्या हमने ये सोचा है, ये जीवन स्त्री का है, स्त्री सबका उद्धार करे, उसके जीवन का अधिकार भी तो उसके पास ही होना चाहिए ना। वो स्वयं के जीवन के निर्णय स्वयं ले सकती, स्वयं अपना भाग्य रच सकती। और ये करने के लिए हमें स्वयं को बदलना होगा, सोच को बदलना होगा, क्योंकि ये सोच ये आज या कल की नहीं है, ये वर्षों से चलती आ रही है और वर्षों तक चलेगी। यदि हमने इसे नहीं बदला, और हम तभी बदल सकते हैं जब हम स्वयं में आज परिवर्तन लाएं। आज के पश्चात, इस क्षण के पश्चात किसी भी स्त्री पर अकारण अधिकार स्थापित करने से पूर्व सहस्त्र बार सोचना, क्योंकि जब स्त्री अपना अधिकार छीनने पर विवश हो जाएगी तब केवल और केवल महाविनाश ही होगा। स्त्री, पुरुषों ने जिसे नाम दिया त्रिया, क्यों दिया, किसने दिया, किसी को ज्ञात नहीं। मानना यह है कि पुरुष सोचते हैं कि त्रिया सोचती कुछ है, कहती कुछ और है और करती कुछ और ही है। परंतु क्या यही सत्य है? वास्तविकता यह है कि त्रिया वो चरित्रहीन पुरुष है और कोई नहीं। वो पुरुष जो स्त्रियों से कहते हैं कि आप माता हो, आप देवी, आप बहन हो, और सोचते क्या, सोचते हैं कि स्त्री हमारे पांव की धूल है और कुछ नहीं। और करते क्या है, उनके सर पर, उनके केशों पर चुड़ामिनी लगाकर सोचते हैं कि वो उनके चरणों की धूल है। स्त्री का मान भंग करते हैं, उन्हें दासी समझ लेते हैं। मत भूलिएगा, यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वही ईश्वर वास करते हैं, और जहां नारी का अपमान होता है वहां ईश्वर और भाग्य दोनों रुष्ट हो जाते हैं। स्मरण रखिए, यदि नारी कल्याणी है तो नारी महाचंडी भी बन सकती, यदि नारी माता बन के जन्म दे सकती है तो नारी मृत्यु बन के विनाश भी कर सकती। जहां नारी का अपमान होगा वहां महान भारत भी महाभारत की ओर जा सकता है। स्मरण रखिए, नारी का अपमान कदापि नहीं हो सकता, और यदि नारी का अपमान हुआ अर्थात आपका विनाश आपके निकट आ रहा है, और ये उसके पहले कदम की पहली आहट है। यदि संतान कोई दुष्कर्म करती है तो क्या उसका अपराधी केवल वो संतान होता है? नहीं, यदि संतान दुष्कर्म करती है तो उसके अपराधी उसके माता पिता भी। जो पुत्र मोह के कारण उसे अनुचित करने से रोक नहीं पाए, अपराधी उसके पिता मां भी। जो अपने उत्तरदायित्व के बोझ के कारण कभी परिवार पर ध्यान नहीं रख पाए, उस संतान को कभी दंड नहीं दे पाए, अपराधी उसके गुरु भी। जो अपने शिष्य के कुकृत्य देखकर भी उसे प्रताड़ित नहीं कर पाए। एक भावी राजा का कर्तव्य है कि प्रजा के समक्ष वो एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करे, परंतु यदि इतना अनुचित उदाहरण प्रस्तुत हो रहा है तो माता पिता का, घर के बड़ों का ये कर्तव्य है कि वो उसे वहीं पे रोक दे, या तो प्रेम से या तो दंड देके। यदि नहीं रोका गया
तो महाभारत अवश्यम भावी है। भोजन, अब भोजन पाने के लिए मनुष्य क्या कुछ नहीं करता है, हर संभव प्रयास करता है, फसल उगाने के लिए बहुत परिश्रम करता है, किंतु कई बार बहुत परिश्रम करने के पश्चात भी फसल अनुपयुक्त निकलती है। कारण क्या है? कारण यह है कि आपने परिश्रम तो पूर्ण किया पर आपका ध्यान उस बीज पर गया ही नहीं जिसे आप बो रहे थे। इसलिए कभी भी किसी भी बीज को बोने से पूर्व उसकी जांच कीजिए, यह अत्यंत आवश्यक है। और उसी प्रकार जब बात आती है कर्म की, तो केवल परिश्रम पर्याप्त नहीं है। उस कर्म के पीछे आपका कर्तव्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए कर्म कीजिए, किंतु उस कर्म के पीछे आपके कर्तव्य के महत्व को भी समझिए। आपने कभी किसी साधारण पक्षी को देखा है, जैसे गौरई, वो क्या करती है? किसी वृक्ष की टहनी पर अपना घोंसला बनाती। अब वहां पे घोंसला बनाना सरल है क्योंकि सामग्री जो है आसपास मिल जाती, परंतु समस्या है आक्रमण। कोई सर्प या कोई और पशु उसके घोंसले पे, उसकी संतान पे आक्रमण ना करते, इस बात का भय होता है। और ये सबसे कठिन होता है गौरैया के लिए, अपने घोंसले की, अपने संतान की सुरक्षा। अब बाज, यदि बात की जाए बाज की, तो बाज क्या करता है? बाज किसी ऊंचे शिखर पर, किसी चट्टान पर अपना घोंसला बनाता है। अब वहां पे घोंसला बनाना बिल्कुल भी सरल नहीं, क्योंकि सामग्री आसपास नहीं मिलती, दूर से लानी पड़ती है। परंतु वहां आक्रमण का भय भी नहीं होता। इस प्रकार उचित रूप से वो अपने घोंसले की सुरक्षा कर पाती है, अपने संतान की सुरक्षा कर पाती है। इसका सार यही है कि यदि समस्या बड़ी हो तो सुझाव भी ऊंचे होने चाहिए। एक बाज की भांति सोचना आरंभ कर दीजिए, जीवन में हर एक समस्या छोटी लगने लगेगी। मनुष्य जीवन में सदैव ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है, ऊपर उठना चाहता है, और उसके लिए वो क्या कुछ नहीं करता, योजनाएं बनाता है, षड्यंत्र करता है, याचना करता है, किसी से सहायता लेता है, पर इतना सब कुछ करने के पश्चात भी कई बार मनुष्य ऊंचाई पर पहुंच नहीं पाता। यदि पहुंच भी जाए तो कभी कभी शीघ्र ही नीचे उतर जाता है। कारण क्या है? एक उदाहरण से समझाता, ये है मोर पंख और ये है एक पत्थर। तो यदि इस पंख को मैं हवा में उछालता तो ये उड़ता, यही पाषाण तुरंत ही नीचे आ जाता है। कारण क्या है? भार, ये पाषाण भारी है और यही तो सीख हमें प्राप्त करनी है। इसी प्रकार यदि हमारा मन द्वेष और अहंकार के भार से भरा होगा तो ये कभी ऊंचा उठ नहीं पाएगा, उठ भी जाए तो शीघ्र नीचे आ जाएगा। तो इस मन के भार को हल्का कर दीजिए, अहंकार को, इस द्वेष को त्याग दीजिए, फिर उड़ान भर के तो देखिए किन ऊंचाइयों में उड़ते हैं। आइए और मेरे साथ